अरे अभी किसी ने पूछा मुझे कि रेड कैबेज भी मैडम एक्सपोर्ट होता है क्या? सो यस, बहुत सा हमें बोलते हैं ना, हमें व्हाइट कैबेज देखा है, ग्रीन कैबेज देखा है, लाइक ऑलमोस्ट द सेम, हमारे यहाँ पे तो वही ग्रो होता है ना। यस, रेड कैबेज भी होता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये सरप्राइज होगा पहले कि रेड कैबेज भी होता है। सो अभी के लिए मैं कहूँगी यस, एग्री में बहुत सारे इनोवेशन चल रहे कि पीपल आर लाइक कल्टिवेटिंग मोर प्रोडक्ट्स इन द मोर कलर वेज, वराइटीज एंड शेप साइज, ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है ना कि जो शायद इंडिया में भी यूज़ होती है इन द टर्म्स ऑफ एक्सॉटिक ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ लाइक फाइव स्टार्स एंड लग्जरी होटल जो होते हैं उन वहाँ पर भी यूज़ की जाती है, एंड यस इन द अदर कंट्रीज ऑल्सो। सो रेड कैबेज इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट यू कैन ट्राई फॉर द एक्सपोर्ट ऑल्सो, एंड इट इज़ हाईली डिमांडेड इन द डेवलप कंट्रीज एंड डेवलप मार्केट्स। सो यस, वन ऑफ टू ट्राई फॉर दैट। सो लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो अबाउट द रेड कैबेज एंड एक्सपोर्ट, एंड यस यू कैन माइट बी स्टार्ट द रेड कैबेज एक्सपोर्ट ऑल्सो। सो लेट्स नो अबाउट दिस प्रोडक्ट। हाई दोस्तों, आई एम केडी सुषमा, आई एम ऑथर, ट्रेनर, एक्सपोर्टर एंड बिजनेस कोच, एंड यस आई एम वर्किंग ऑन अ विशन टू क्रिएट 10,000 प्लस एक्सपोर्टर्स बाय 2025। सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू वॉन्ट टू बी अ नेक्स्ट एक्सपोर्टर इन दिस मिशन, एंड यस आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू ऑल लाइक वॉट इज द स्टेज ऑफ यू आर राइट नाउ इन द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जर्नी। आइदर माइट बी यूर स्टार्टअप, आइदर माइट बी यू आर ग्रोइंग, और माइट बी यू आर स्ट्रगलिंग इन दिस जर्नी, वट एवर इट इज, यस आई एम रेडी टू हेल्प यू एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट। सो कम टू द पॉइंट अबाउट द रेड कैबेज। सो रेड कैबेज इज एक्चुअली, नाम सुन के भी हमें पता चला होगा कि रेड कैबेज, एक तो ये वैरायटी अलग है कैबेज ही फॉर्म में, लेकिन यस अभी तो कुकिंग के बहुत सारी चीज़ें डेवलप में चल रही है, बहुत सारे इनोवेशन चलते हैं, बहुत सारे क्यूजिन्स ट्राई किए जाते हैं। सो रेड कैबेज इज ऑल्सो वन ऑफ द वेजिटेबल विच इज़ वेरी हेल्दी इन द न्यूट्रिशंस ऑल्सो, एंड इट इज़ हाईली डिमांडेड ऑल्सो। ओके, लेकिन कहाँ पे मतलब ग्रो होती है? यहाँ पे इंडिया में एक्चुअली कहा जाए तो देर आर लाइट, इंडिया इज द एग्रीकल्चर इकोनॉमी, सो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में भी ये रेड कैबेज ग्रो किया जाता है, मेनली इन द महाराष्ट्र ऑल्सो, ओडिशा ऑल्सो, यूपी ऑल्सो, बिहार ऑल्सो, एंड यस इन द लॉट ऑफ स्टेट ऑल्सो। सो यू कैन ट्राई इन द कल्टिवेशन लाइक इन दैट स्टेट ऑल्सो, एंड यू कैन चेक लाइक हाउ यू कैन प्रोक्यूर दैट ऑल्सो। So this is about the red cabbage cultivation and growing. So HS code of the product is 07049010. So you can check this product by with this HS code also. And the yes, might be you can just understand the 07 is the family. It is a chapter. Vegetable ki sari cheeze aapko yaha pe mil jayegi. So this is the HS code of the product. Okay, next agar main kahu ki okay, shelf life of the product is kitna hai? So it is around 1 to 2 weeks bhi hota hai, and cold storage mein agar rakhoge usko in the proper temperature condition and with the packing also, handling also, yes 1 to 2 months tak bhi ye chalta hai. So yes, might be you can think in that perspective also, like how you can develop this business, and yes cold storage facility agar hai, properly aap maintain karte ho usko, so with that also you can go ahead, right? अगर उसके बाद कहूँ कि यस रेड कैबेज जैसे हमने ज़्यादा तो महाराष्ट्र में इंडिया में नहीं देखा है, तो फिर ये ज़्यादा कौन ग्रो करता है अपार्ट फ्रॉम इंडिया ऑल्सो? सो चाइना इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन दिस, एंड चाइना इज द बिगेस्ट ग्रोअर इन दिस। अपार्ट फ्रॉम चाइना, रशिया है, यूएसए है, इंडोनेशिया है, सो दीज आर द प्रोडक्ट, दीज आर द मार्केट्स एक्चुअली दे आर ग्रोइंग रेड कैबेज इन देयर वैरायटी। सो हु इज इम्पोर्टिंग फ्रॉम देम? यस, इम्पोर्टर्स आर मेनली यूएसए, जर्मनी, हांगकॉन्ग, यूके ऑल्सो। सो दीज आर द मेनली इम्पोर्टिंग कंट्रीज रेड कैबेज में ज़्यादातर इम्पोर्ट करती है। सो आपके लिए मतलब आपको पता चला होगा कि दो चाइना इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग, इंडिया इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग द रेड कैबेज। पता हो सकता है ना कि हमारे पास अभी तक वो ज़्यादा क्यों नहीं बना गया, या फिर लोगों को उसका मार्केट स्कोप ही पता नहीं था, या फिर उसकी मार्केट की डिमांड कितनी वो पता नहीं थी। वाई नॉट टू ट्राई फॉर दैट, लाइक अगर इंडियन मार्केट डेवलप करते करते अगर हम एक्सपोर्ट का मार्केट भी उसके लिए डेवलप करें, तो शायद हो सकता है कि एग्री में कुछ नई इनोवेशंस भी हो जाए और एग्री में कुछ नया प्रोडक्ट भी डेवलप किया जाए, बिकॉज यस मार्केट इज देयर फॉर दैट। एंड इफ इंडिया इज एक्सपोर्टिंग टू यूएसए, यूके, जर्मनी, हांगकॉन्ग ऑल्सो अदर प्रोडक्ट्स, वाई नॉट टू ट्राई फॉर द रेड कैबेज ऑल्सो? सो ओके, हाउ इट इज पैक देन अगर हमें एक्सपोर्ट भी करना है तो? यस, इट इज मेनली लाइक शिप्ड और एक्सपोर्टेड बाय एयर ओनली। एंड अगर मैं कहूँ कि उसका पैकेजिंग में, तो कोरोगेटेड बॉक्सेस में जाता है, एंड एक लाइक सिंगल रेड कैबेज को भी, वो सिंगल आम को भी ऐसे नेट करके नेटिंग में डाला जाता है, वैसे सिंगल कैबेज को भी वैसे नेट मेश डाला जाता है, और वो पर पीस के हिसाब से वैसे मतलब उस बॉक्स में रखा जाता है, और वो बॉक्स पैकिंग में एक्सपोर्ट किया जाता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बॉक्स साइज, डायमेंशंस एंड वो भी, एंड एज पर द कस्टमर डिमांड यू कैन सप्लाई इट। सो 5 kg का भी हो सकता है, 10 kg का भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड द डिमांड।
सो यू कैन शिप इट. सो दीज आर द लाइक बेसिक चीज़ें है रेड कैबेज एक्सपोर्ट करने के लिए. कल्टिवेशन इंडिया करती है अभी भी, लेकिन यस और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है डिपेंड ऑन द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द मार्केट, राइट. उसके अलावा मैं कहूँगी व्हाट आर द सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड. यस द मेजॉरिटी, हमेशा याद रखो कि एग्रीकल्चर कमोडिटी कोई भी अगर आपको एक्सपोर्ट करनी है, फाइटोसैनिटरी इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट अपार्ट फ्रॉम द बेसिक डॉक्यूमेंट्स. सो बेसिक आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑल हैव दैट डॉक्यूमेंट्स एंड यू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट द फाइटोसैनिटरी इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट. लेकिन यस अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि डेवलप कंट्रीज को, तो यस डिपेंड ऑन देम कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेशन लगेंगे, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा. सो दीज आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेड कैबेज एक्सपोर्ट. यस डेफिनेटली मैं कहूँगी ट्राई डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स, ट्राई द इनोवेशन ऑल्सो इन द मार्केट. मार्केट इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग द इनोवेशन, ऑल्सो एक्सेप्टिंग द लॉट ऑफ अदर क्रिएटिविटी ऑल्सो. सो यस वी हैव दैट पोटेंशियल, वी हैव दैट रिसोर्सेज ऑल्सो इन आवर ओन मार्केट दैट वी कैन ट्राई. So why not to try for that? So yes, definitely you can take action also with the clarity, with the confidence. And if you have any doubt related to export import business, yes, you can anyways always connect to me on support@kdsushma.com. You can download my app also from the Google Play Store, KD Sushma. And yes, you can get the lot of updates and lot of market developments also. Yes, you can join me to the Telegram channel also, Global Fortune. And lot of updates I am sharing to that channel also. Yes, please subscribe this channel. Share it and like it also. Spread the word of export and yes, we can definitely come together and start our export import business. Take action. Jai Hind.